आज हम लोग समझेंगे विंडोज एसी क्या है, स्प्लिट एसी क्या है और उसी में समझेंगे इन्वर्टर एसी भी क्या है। उसके बाद टर्न क्या होता है एसी में, स्टार रेटिंग क्या होता है, कितने स्क्वायर फीट के कमरे में कितने टर्न का एसी लगेगा और कौन सा कंपनी का एसी लेंगे, और उसमें हम ये भी देखेंगे उसमें कि कंडेंसर कॉइल कौन सा रहेगा। वो बतलाते जाएगा और पिक्चर में शो होते जाएगा। तो सबसे पहले बतलाए थे कि विंडो एसी क्या होता है। विंडो एसी जो होता है, यह नाम से ही मालूम पड़ता है कि यह खिड़की पर लगने वाला एसी, यानी विंडो मतलब खिड़की होता है और खिड़की पर लगने वाला एसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो एसी। इसमें क्या है कि सारा भाग इसका एक ही में रहता है, यानी कूलिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर, सारा भाग आपको एक ही कंपार्टमेंट में मिला हुआ रहता है। और जबकि वही स्प्लिट एसी, अब विंडो एसी समझ गए, खिड़की पर लगने वाला भाग को ही हम विंडो एसी कहते हैं और सिर्फ खिड़की पर ही लगता है। जिस रूम में खिड़की नहीं रहेगा तो उस एसी में विंडो एसी नहीं लग पाएगा, एकदम समझ लीजिए। और उसके बाद है कि स्प्लिट है, तो विंडो एसी अब समझ गए। अब जो है स्प्लिट एसी, अब स्प्लिट एसी कहाँ लगाया जाता है और स्प्लिट एसी बोलते किसको है। स्प्लिट का मतलब दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि स्प्लिट एसी किसको बोलेंगे, इसका जो है ये दो भागों में बटा हुआ रहता है, यानी एक रहेगा रूम के अंदर लगा हुआ और एक दूसरा भाग जो रहेगा रूम के बाहर लगा हुआ रहेगा। रूम के अंदर वाले भाग को इंडोर बोलते हैं और रूम के बाहर वाले भाग को आउटडोर बोलते हैं। और रूम के अंदर वाले भाग में कूलिंग कॉइल लगा हुआ रहता ओनली, और पीसीबी लगा हुआ था जो प्रोग्राम के अनुसार सेव किया हुआ रहता, प्रोग्रामिंग के अनुसार सारा कुछ इंडोर पीसीबी के साथ और फैन मोटर रहेगा, इतना समान रहेगा आपको। और आउटडोर में जो रहेगा आपका कंप्रेसर रहेगा, कंडेंसर कॉइल रहेगा, फैन मोटर रहेगा उसकी गर्मी को निकालने के लिए। तो यही होता है स्प्लिट एसी, यानी कि समझ गए स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी में दो भाग में रहता है, एक इंडोर रहेगा एक आउटडोर रहेगा, एक रूम के अंदर रहेगा एक रूम के बाहर रहेगा, ये दो भाग में बटा हुआ रहता है, इस कारण से इसको एक स्प्लिट एसी बोलते हैं। अब इसी में बतलाए थे कि आपको कौन सा एसी लेना है, यानी कि ये इन्वर्टर एसी के बारे में। तो इन्वर्टर एसी क्या होता है, इन्वर्टर एसी जो होता है आपको देखने में तो बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह ही लगेगा, यानी जो नॉर्मल एसी रहता है नॉन इन्वर्टर एसी, सेम देखने में आपको सेम उसी तरह लगेगा। और जब इसमें जो है सिर्फ जो अंतर जो रहता है इसके इलेक्ट्रिकल भाग का, और इलेक्ट्रिकल भाग का नहीं मतलब उसके कंप्रेसर का, फैन मोटर का, ये सब का सिर्फ अंतर रहता है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं रहता, बाकी सब कुछ सेम करेगा, ठंडा भी करेगा, हर एक चीज़ करेगा सेम, और सिर्फ इसमें ये कंप्रेसर और ये सब जो अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है और इसको इन्वर्टर क्यों बोला जाता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी किस तरह काम करता है। नॉन इन्वर्टर एसी जो है उसको हम जितना टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 20 डिग्री सेल्सियस पर हम टेम्परेचर को सेट कर दिए और बाहर का टेम्परेचर 30-35 इस तरह से, जब मेरा रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो रूम ऑटोमेटिक मेरा क्या चाहता है कि ठंडा जब हो गया 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी 20 पर हम सेट किए एसी को और 20 डिग्री सेल्सियस जब रूम को ठंडा हो गया तो इसका मतलब है कि एसी क्या करता है, आउटडोर को बंद कर देता है, यानी कि कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो इस तरह 20 डिग्री सेल्सियस पाने के बाद आउटडोर को बंद कर देता है और फिर जब 20 से ऊपर जाता है तो फिर से आउटडोर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ये मेरा नॉन इन्वर्टर एसी काम करता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि बार बार बंद चालू होता है, जिस कारण से बिजली बिल बहुत ज़्यादा लगता है। अब वहीं पे इन्वर्टर, अब सिंपल समझ लीजिए, इन्वर्टर वाला मैं कि माने कि कोई गाड़ी ले लीजिए समझिए, और उस गाड़ी को जितने बार बंद चालू करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बिजली बिल खपत, यानी कि तेल जो है ज़्यादा खपत करेगा। उसी तरह एक मेरा मोटर है उसको जितने बार बंद चालू करेंगे तो एक बार जब चालू होता है तो कम से कम यानी कि शुरुआत में जो नॉर्मली एम्पियर लेता है उससे 10 गुना ज़्यादा एम्पियर उठाता है, और उसके बाद फिर नॉर्मली करंट जो है वो आपका लेते रहता है। जबकि इन्वर्टर एसी में क्या है कि इन्वर्टर एसी आपका कि जब मैंने कि 20 डिग्री सेल्सियस मानी कि इसको भी हम 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट किए और यह मेरा चल रहा, और जब माने कि इंडोर मेरा यानी कि अंदर वाले भाग का बाहर वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अंदर वाले भाग में भी टेम्परेचर जितना पर सेट किए हैं उतना के आसपास आ गया है, इसका मतलब क्या चाहिए, मेरा बंद हो जाना चाहिए आउटडोर। मगर ये क्या चीज़ करेगा, उसको बंद नहीं करेगा, ये क्या काम करेगा कि उसको यानी कि आउटडोर को भी मेंटेन रखेगा टेम्परेचर के हिसाब से और इंडोर को भी। यानी कहने का मतलब है कि जितना माने कि रूम का टेम्परेचर जितना ही कम होगा तो बिजली बिल भी उसकी के अनुसार कम लेगा, वोल्ट भी कम लेगा बहुत, यानी कि लोड भी बहुत कम लेगा। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी क्या था कि जितना बिजली बिल शुरू में ले रहा उतना ही बिजली बिल लास्ट तक लेगा, जब तक टेम्परेचर बंद यानी कि जब तक टेम्परेचर आ नहीं जाता। जबकि इन्वर्टर एसी में क्या हो तो ऐसा बात नहीं है, इसमें टेम्परेचर जब डाउन होगा रूम का टेम्परेचर तो ये क्या होगा, लोड भी इसका कम जाएगा, और जब लोड कम जाएगा ऑटोमेटिकली बिजली बिल कम लेगा, जबकि वो ऐसा नहीं करता। और एक चीज़ और इन्वर्टर एसी में, इसमें जो है आपका कि कंप्रेसर बंद नहीं करता, कंप्रेसर को एकाएक बंद नहीं कर देगा ये,
जब टेम्परेचर मानिए आ गया है, मैंने 20 पर सेट किया है, 21 पर आ गया है टेम्परेचर, तो बंद कर देना चाहिए 20 के आसपास आने के बाद। तो ये बंद नहीं करेगा, लोड बिल्कुल कम कर देगा। जितना टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा उतना ही टेम्परेचर इनकी उसी के अनुसार ये बिजली बिल भी लेगा, लोड उसी के अनुसार यहाँ पर लेगा, जिस कारण से यहाँ पे बिजली बिल बहुत कम आता है। यानी कि इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, तो नॉन इन्वर्टर एसी की अपेक्षा इन्वर्टर एसी कम से कम तो 30% बिजली बिल को खपत करने से बचाता है, बस अंतर इतना ही है। और इन्वर्टर एसी में डीसी कंप्रेसर लगने के कारण यानी 3 फेज डीसी मोटर लगा हुआ था, जिस कारण से ये सब कंट्रोल हो पाता है और इसी के अनुसार इसको सप्लाई दिया जाता है। जबकि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी में आपको ऐसा कुछ भी बात नहीं रहता, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग करके कंप्रेसर दिया जाता है नॉन इन्वर्टर में, और उसको डायरेक्टली एक पंखा मोटर की तरह उसको चालू किया जाता है। इससे आप समझ गए इन्वर्टर एसी क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं स्टार रेटिंग के बारे में, स्टार रेटिंग क्यों दिया जाता है, स्टार रेटिंग होता क्या है, और इससे एसी पर फर्क पड़ता है या फिर हमारे किस पर फर्क पड़ता है। स्टार रेटिंग से दरअसल बहुत लोग ये समझता है कि अगर कम स्टार रेटिंग का एसी है तो कम कूलिंग देता है, ज़्यादा स्टार रेटिंग है तो ज़्यादा कूलिंग देता है, बस दरअसल ये बात होता नहीं है, कूलिंग दोनों सेम तरीका से देगा। तो फर्क क्या रहता, फर्क बस इतना रहता है कि जिसमें कम स्टार रेटिंग और स्टार रेटिंग, सिंपल समझिए, अगर कोई एक मशीन, कोई भी मशीन समझ लीजिए, कोई भी मशीन लिए उस पर हम कम लोड देकर हम चालू करते हैं, कम लोड देकर के बराबर कम लोड पे चलाते रहते हैं तो बढ़िया चल रहा, जैसे में हम ज़्यादा लोड करते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। और कोई उसी मानी कि सेम वही मशीन में कुछ अलग कंपनी हम ले लेते हैं या फिर अच्छा ब्रांड के ले लेते हैं, और उसी मशीन में आपको ज़्यादा लोड देने के बावजूद वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है, इसका क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ उसका मोटर है जो भी है उस मशीन में, जो भी इसका मेन पार्ट है वो सब अच्छा है, जिसका कारण मेरा लोड लेकर भी अच्छा खासा वो चलते रहता, यही मेरा स्टार रेटिंग दर्शाता है। अगर कम स्टार रेटिंग का है, यानी कम तो दोनों सेम करेगा, अगर कम स्टार रेटिंग का है तो क्या करेगा, बिजली बिल सिर्फ ज़्यादा लेता है, बाकी ठंडा जो है कि सेम तरीका से करेगा। अब वो जी वही अगर ज़्यादा स्टार रेटिंग का एसी है तो बिजली बिल थोड़ा कम लेता है और ठंडा भी सेम उसी तरह करेगा जितना वो कम वाला कर रहा था। और एक चीज़ और समझ लीजिए स्टार रेटिंग में, अगर कम स्टार रेटिंग का अगर एसी है आपका तो ज़्यादा देर तक आप उसको चालू नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक चालू करते तो यानी ज़्यादा लोड लेगा, अगर ज़्यादा लोड लेगा तो फिर क्या होगा वहाँ पर, वो जल्दी जल्दी वहाँ पर मेंटेनेंस के चक्कर नहीं, सर्विसिंग के चक्कर में वो ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद है कि अगर ज़्यादा स्टार रेटिंग का एसी है तो उसको फिर यानी कि 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा भी चलाइए दिन में, कोई यानी कि 18 घंटा भी चलाइए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है वो, यानी मन चलो होते रहे लगातार उसको चालू करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कम स्टार रेटिंग के एसी को हम 10 घंटा 8 घंटा चलाते हैं कंटिन्यू, फिर उसमें कुछ गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाता है ज़्यादा ही, वो ज़्यादा दिन तक लाइफ में उसका चलता नहीं है। तो इससे आप समझ गए स्टार रेटिंग क्या होता है, अपना मौसम आपको बतलाएं। अब एसी कौन सा कंपनी के लिए, ये भी देखना है कि उसमें कंडेंसर कॉइल कौन सा ले, तो कौन सा कंपनी के लिए, कंपनी कोई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पहले एसी लेने से पहले ये जरूर पता कर ले या फिर पूछ ले लेने वक्त इस एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है, अगर सर्विस सेंटर नहीं रहता तो फिर आपको सही टाइम पर सर्विस नहीं मिल पाता है। उसके बाद है कि जिस कंपनी का आप एसी ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको मालूम करें उसका सर्विस कैसा है, सर्विस वो सही से दे पाता है या नहीं दे पाता उस एरिया में, अगर अच्छा से दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कंपनी के लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडेंसर कॉइल का, कंडेंसर कॉइल यानी कंडेंसर कॉइल जब भी आप लेंगे तो एल्युमिनियम नहीं लेना, कॉपर लेना, एल्युमिनियम का उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और उसका वो एक बार ख़राब होने के बाद डायरेक्टली चेंज होता, जबकि वही आप अगर कॉपर का लेते हैं तो कॉपर अगर ख़राब हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होता है कि ब्रिजिंग हो जाता है यानी बेल्डिंग हो जाता और आपका कम खर्च, वो यानी वो जल्दी ख़राब होता ही नहीं सबसे पहले, वही एल्युमिनियम एक बार भी जरा सा भी लीक हुआ तो एल्युमिनियम पूरा कंडेंसर कॉइल ही ख़त्म हो गया। अगर वही मेरा कॉपर का था तो वहाँ पर कॉपर कॉइल ख़त्म नहीं होता, नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ता, सिर्फ वहाँ बेल्डिंग करके और वहाँ पर गैस रिफिल करके बस काम हो जाता, बस इतना से काम हो जाता, यानी कि आपको जब भी लेना है तो बस कॉपर कॉइल को ही लेना है, लेने पर तो आपको इतना बात जरूर ध्यान में रखें। और आपको लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था कमरा के अनुसार एसी कैसे लगाएंगे, तो सिंपल समझ लीजिए एक यानी कि स्क्वायर फीट आप समझ रहे हो, यानी स्क्वायर फीट के बारे में पहले जान लिया, पहले स्क्वायर फीट के बारे में आप ढेर सारा वीडियो बनाया हुआ है तो उसको जरूर जाकर देख ले। तो कितनी स्क्वायर फीट के कमरे में कितने टन का एसी लगेगा इसको जानने से पहले थोड़ा सा जो बदला रहे हैं उसको समझ लिया एक बार बढ़िया से, एक एयर कंडीशनर को और एक रूम में से जितने गर्मी को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा उसको खपत होते हैं, यानी कि सिंपल समझ लीजिए कि एक एयर कंडीशनर एक घंटे में कितने गर्मी को बाहर निकाल सकते हैं, बस वही गर्मी जिस गर्मी को बाहर निकाल रहा वही गर्मी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होता है, हम इसको जो नापते हैं BTU नापते हैं, यानी BTU कहने मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो ये सब समझ गए होंगे BTU किसे बोलते हैं, ठीक है।
अब है कि एक स्क्वायर फुट को ठंडा करने के लिए यहाँ पर मेरा 20 BTU पर आवर खर्च होता है और 3.5 BTU बराबर 1 वाट होता है। तो ये आपको जानकारी मिल गया होगा, ये भी जान लेते हैं। एक यानी कि एक टन बराबर 12,000 BTU होता है। इससे पहले जब आपको बतलाएं कि एक स्क्वायर फुट को ठंडा करने के लिए मेरा 20 BTU पर आवर खर्च होता है। तो इस हिसाब से यानी कि एक टन केसी में एक 100 स्क्वायर फुट के रूम में हम आसानी से लगा सकते हैं और वो सही से कूलिंग दे सकता। वही आपको 200 स्क्वायर फुट का रूम है तो 2 टन केसी लगाएंगे, अगर 150 स्क्वायर फुट का रूम है तो 1.5 टन केसी आप आसानी से लगा सकते हैं। सिंपल तरीका आपको याद करने में, इसमें आधा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी सिंपल से लंबाई चौड़ाई निकाले बस वही आपका स्क्वायर फुट में आ जाता है। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए हैं कि कितने यानी कि स्क्वायर फुट के रूम में हम कितने टन केसी लगाएंगे। अब समझते हैं टन क्या होता है। दरअसल ये टन जो है आपको शुरू में ही हमको बतला देना चाहिए था, अब समझ लीजिए टन क्या होता है। बहुत लोग टन से मतलब समझ लेता है वजन से, तो आपको वजन से नहीं समझना है। कि पहले जो होता था ना कि अगर एक टन का एसी है तो जितना गर्मी निकालता है, तो पहले जो होता था कि एक टन का बर्फ यानी 1000 किलो बर्फ, तो एक टन का बर्फ हम एक रूम में रखते हैं तो जितना गर्मी को एक घंटा में बाहर निकालता है, तो उसी तरह से मेरा एक टन का एसी एक घंटा में उतना गर्मी को बाहर निकाल देता है रूम के अंदर से और उसको ठंडा उतना कर देता है। तो BTU के बारे में पहले बतलाए हुए हैं, तो 12,000 BTU बराबर 1 टन, तो इसी तरह 18,000 BTU बराबर 1.5 टन और 24,000 BTU बराबर 2 टन। तो टन से मतलब समझ गए कि टन कुछ है नहीं, बस वो भी एक आएगी दिया गया है कि एक टन का बर्फ जितना रूम को ठंडा करेगा और एक टन के एसी उतना ही रूम को ठंडा कर पाएगा। यहाँ पर वजन से कोई मतलब नहीं है, वजन पहले ना पाया जाता था जब बर्फ का काम होता था उस तरह से, मगर यहाँ पर एसी जो है एडवांस टाइम आपको आ गया सबके सब और सभी के एसी यानी कि सिंपल से एसी सिर्फ शॉर्ट में इसी तरह किया गया है कि एक टन के एसी मेरा एक टन के बर्फ को इतना ठंडा कर सके। वही जो गर्मी मेरा निकालेगा उसी को क्या नापते हैं हम, उसी को हम BTU में मापते हैं।